दोस्तों, पुल या ब्रिज नाम सुनकर हमारे दिमाग में ऐसी संरचना उभर आती है जो किसी सड़क, घाटी या नदी के ऊपर भौतिक बाधाओं को पार करने और मार्ग प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। बेशक पुल का अंतिम डिजाइन इसके कार्य और आसपास के इलाकों की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है, जिसमें कुछ शुरुआती पुल पत्थरों या नदियों में बांस के बने होते थे। हालांकि आज कुछ पुल न केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, बल्कि उनमें कला के प्रमाणिक कार्य का भौतिक सुंदरता की संरचना भी शामिल है, जो उनके परिवेश को बदल देते हैं या प्रकृति के साथ सफलतापूर्वक मिक्स हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 9 ऐसे ब्रिज के बारे में बात करेंगे जिनकी सुंदरता देखकर आप भी वहां जाना चाहोगे। नंबर 9, राकोर्च ब्रिज जर्मनी। क्रामलाऊ में 200 एकड़ गौथिक शैली के क्रामलाउर पार्क में स्थित यह प्रभावशाली पुल 1860 के आसपास बनाया गया था। इसे राकोर्च ब्रुक कहा जाता है, लेकिन इसे डेविल्स ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है और इसमें पूरी तरह से बेसाल्ट से बना एक आर्च ब्रिज है। पार्क में कई अन्य सुविधाओं का निर्माण करने के लिए पत्थर का भी उपयोग किया गया है। इस ब्रिज की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अब इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि पानी की सतह पर इसका प्रतिबिंब एक चक्र बनाने के साथ यह निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर है। नंबर 8, लिविंग रूट ब्रिज इंडिया। यह ब्रिज इंडिया के चेरापूंजी के छोटे से गाँव में स्थित है, जो पृथ्वी के सबसे नम स्थानों में से एक है। यह पुल बनाया नहीं गया है, बल्कि इसे उगाया गया है। यह जीवित पुल देसी फिक्स इलास्टिका पेड़ की जड़ों का उपयोग करते हैं। उन्हें एक निश्चित दिशा में विकसित होने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ के स्थानीय जनजाति द्वारा ये टेक्निक बहुत समय पहले ही खोज लिया गया था और ये 100 फीट से बड़े भी हो सकते हैं। इसे पूरी तरह से बनने में 10 से 15 साल लगते हैं। यह जीवित पुल एक बार में 50 या उससे अधिक लोगों के वजन आसानी से उठा सकता है। नंबर 7, हेंडरसन वेव्स ब्रिज सिंगापुर। हेंडरसन वेव्स ब्रिज सिंगापुर में हेंडरसन रोड से 36 मीटर ऊपर है और माउंट फेवर पार्क को टेको ब्लांगा हिल पार्क से जोड़ता है। इसका आश्चर्यजनक लहर जैसी संरचना, जिसमें हजारों पीली गेंदों की लकड़ी के स्लेट्स के साथ घुमावदार स्टील की एक श्रृंखला शामिल है, जो इस पैदल यात्री पुल को अमेजिंग बनाती है। रात के समय हेंडरसन वेव्स ब्रिज LED रोशनी के साथ और भी खूबसूरत नजर आता है। नंबर 6, हेलिक्स ब्रिज सिंगापुर। हेलिक्स ब्रिज आधिकारिक तौर पर हेलिक्स और पहले डबल हेलिक्स ब्रिज के रूप में जाना जाता था। सिंगापुर में मरीना बे क्षेत्र में मरीना साउथ के साथ मरीना सेंटर को जोड़ने वाला एक पैदल यात्री पुल है, जो DNA पर आधारित एक डबल हेक्सिल स्ट्रक्चर है, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। यह ब्रिज आधिकारिक तौर पर 24 अप्रैल 2010 को खोला गया। हालांकि मरीना बे सेट्स में चल रहे निर्माण के कारण केवल आधा ही खोला गया था। 18 जुलाई 2010 को इस पुल को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। नंबर 5, एओला द्वीप ब्रिज बार ऑस्ट्रिया। जैसे कि नाम से ही संकेत मिलता है, यह पुल न केवल ऑस्ट्रिया के ग्राज में मूर नदी को पार करने का मार्ग प्रदान करता है, बल्कि इसमें एक आधुनिक बार, धूप सेकने का क्षेत्र, कॉफी बार, ओपन एयर थिएटर और बच्चों के खेलने का क्षेत्र भी है। 2003 में निर्मित इसे न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट वीटो एकांसी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने निरोष्टा स्टील पैनल या फ्लैट ग्लास पैनल के त्रिकोणीय पहलुओं की विशेषता वाले एक व्यवस्थित रूप से घुमावदार अग्रभाग के साथ एक संरचना बनाई थी। अब ये अमेजिंग पुल लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। नंबर 4, वानपो ब्रिज वाटर फाउंटेन साउथ कोरिया। वानपो ब्रिज, जिसे मूनलाइट रेनबो फाउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, सियोल में हॉन नदी तक फैला है, जो सेचो और योंगसन जिले को जोड़ता है। इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पुल को बनाया गया था। जो बात वानपो ब्रिज को इतना अनोखा बनाती है, वह वास्तव में मौजूदा जेम्सू ब्रिज के ऊपर डबल डेकर ब्रिज का हिस्सा बनने के लिए बनाया गया था। बाद में 380 LED नोजल प्रति मिनट 190 टन पानी की शूटिंग दोनों तरफ जोड़े गए। पानी को डेक से 20 मीटर नीचे नदी से सीधे पंप किया जाता है और क्षैतिज रूप से 43 मीटर की दूरी तक शूट किया जाता है, जो पुल पर एक अद्भुत इंद्रधनुष जैसा रोशनी प्रदान करती है। नंबर 3, लैंगकावी स्काई ब्रिज मलेशिया। लैंगकावी स्काई ब्रिज में पुलाऊ लैंगकावी द्वीप पर गुनंग चिचांग पर्वत की चोटी पर स्थित एक घुमावदार पैदल यात्री केबल से बना पुल है, जो मलेशिया में लैंगकावी द्वीप समूह का हिस्सा है। यह लैंगकावी केबल कार द्वारा पहुंचा जाता है, जो पहाड़ की तलहटी में स्थित ओरिएंटल विलेज से शुरू होता है, जो जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर लटकते हुए पुल
पुल पर चढ़ता है। इस पुल से वर्षावन और तेलगा तुजुह झरने के कुछ शानदार दृश्य नजर आते हैं। नंबर 2, किंताई ब्रिज जापान। किंताई ब्रिज जापान के इवाकुनी शहर में स्थित एक लकड़ी का मेहराबदार पुल है। यह निशिकी नदी तक फैला है और जो इसे अनोखा बनाता है वह है 1673 में निर्मित 5 सुंदर लकड़ी के मेहराबदार पुलों की एक श्रृंखला। यह माउंट योकोयामा के तल पर स्थित है, जो शीर्ष पर स्थित इवाकुनी कौशल का घर है और विशेष रूप से एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। नंबर 1, पीस ब्रिज कैलगरी। अंत में कैलगरी में पीस ब्रिज में एक अद्वितीय पैदल यात्री पुल शामिल है, जो कैलगरी कनाडा में बो नदी तक फैला है। यह स्पेनिश आर्किटेक्ट सैंट्रियागो कैलात्रावा द्वारा डिजाइन किया गया था और एक कांच की छत के साथ एक पेंचदार इस्पात संरचना का रूप लेता है। इसके अलावा इसमें कनाडा के ध्वज और कैलगरी के ध्वज का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाल और सफेद रंग है। पीस ब्रिज की लागत सरकार द्वारा प्रदान की गई $24.5 million और लॉटरी फंडिंग है। हालांकि भारी कीमतों के बावजूद 6,000 लोग हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं और 2012 में इसकी समकालीन वास्तुकला और डिजाइन की मान्यता में इसे विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और अनोखे ब्रिज। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।